जी हाँ दोस्तों, इस साल का सबसे रोमांचक मुकाबला होगा भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली 3 ODI और 3 T20 की सीरीज। आप सभी को बता दें दोस्तों, ये इसलिए रोमांचक होगा क्योंकि बिना सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी के युवाओं सजी टीम जाएगी लंका पर फतेह करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 3 T20 3 ODI खेलने की पहली तारीख, पहला वनडे 13 जुलाई, दूसरा वनडे 16 जुलाई, तीसरा वनडे 19 जुलाई, यानी कि 3 दिन का गैप होगा। इसी के साथ 3 T20 मैचों की सीरीज होगी जो 22 जुलाई 24 जुलाई और 27 जुलाई को होगी। लेकिन कोरोना के इस काल में श्रीलंका के मैनेजमेंट ने ऐसा कौन सा रूल निकाला है जिसको देखते हुए, कोरोना को ध्यान में रखते हुए सारे मैचेस सफलतापूर्वक होंगे? तो दोस्तों, इन्होंने जो बाकी टीमें अभी तक गलती करती नजर आई थी, जो IPL में सबसे बड़ी गलती हो गई थी जिसकी वजह से अनिश्चितकाल तक के लिए टल गया, उस गलती को नहीं दोहराना चाहेंगे। यानी कि सारे के सारे मुकाबले एक ही स्टेडियम में कराए जाएंगे और ऐसा बायो बबल क्रिएट किया जाएगा जिसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकेगा बिना खिलाड़ियों के इजाज़त और स्टाफ मेंबर्स की इजाज़त के। तो ये एक बड़ा रूल्स बना दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, श्रीलंका ने भी सीरीज को लेकर पूरी कमर कस ली है, उनके खिलाड़ियों का भी ऐलान कर दिया गया है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों के ऐलान की बाकी है और कई लोगों का ये मानना है कि शिखर धवन या हार्दिक पांड्या या भुवनेश्वर कुमार में से कोई एक कप्तानी कर सकता है, या BCCI किसी युवा खिलाड़ी को कप्तानी सौंपेगी ताकि टीम इंडिया की फ्यूचर कप्तान का फैसला अभी से ही चलता रहे। आप सभी को बता दें, श्रीलंका क्रिकेट के प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष अर्जुन डी सिल्वा ने कहा है कि भारत दौरे को लेकर तैयारियां चल रही हैं, सभी मैच एक ही जगह कराने की योजना बना रहे हैं। ऐसी खबर है कि भारत और श्रीलंका के सारे मुकाबले प्रेमदासा स्टेडियम में ही कराए जाएंगे जिससे कोरोना के खतरे को टाला जा सके और जो ट्रैवल होगा बीच का उसको टाला जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टीम इंडिया 7 जुलाई को श्रीलंका पहुंचेगी और उसके बाद वहां 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहेगी। श्रीलंका और भारत के बीच मुकाबला 13 जुलाई से आरंभ होगा। आप सभी को बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए अर्जुन डी सिल्वा ने कहा कि स्टेडियम में दर्शकों के प्रवेश पर बैन रहेगा, यानी सारे मुकाबले दर्शकों के बिना ही खेला जाएगा। मालूम हो, भारत और श्रीलंका दौरा पिछले साल जून में ही होना था लेकिन करते कराते ये कोरोना की वजह से टल गया और अब ये जुलाई में होना संभव माना जा रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय प्लेइंग 11 और स्क्वाड क्या होती है। इसकी बड़ी अपडेट लेकर बहुत जल्द आप सभी के लिए हाजिर होंगे। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स से दीपक की रिपोर्ट।